बात करेंगे काशीपुर की, जहां पर विगत रात्रि अज्ञात हथियारबंद लुटेरों द्वारा मकान मालिक को बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि हनुमान नगर निवासी यशपाल सिंह चौहान के घर में रात 1 बजे के आसपास दर्जन भर लुटेरों ने हथियारों के बलबूते पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट करनी शुरू कर दी। लुटेरे नकदी समेत घर में रखे आभूषण ले जाने लगे, जिसका विरोध करने पर लुटेरों ने बंदूक की नोक से मकान मालिक को मारा और बुरी तरीके से घायल कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर एसपी अभय सिंह ने कहा कि लूटपाट की घटना के बारे में रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे, जहां देखा गया कि मकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था और मकान मालिक को काफी चोट लगी थी। लूट की इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मैं 12 बजे यहाँ सोया था और लगभग 1 बजे की घटना है। 1 बजे जो है वो प्रवेश कर गए थे जो डाकू लोग थे, किस माध्यम से आए बाहर से वो तो वही जानते हैं, लेकिन मेरे जब मुझे कंट्रोल कर लिया, तमंजे तान लिए, मुझे कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से, मैंने हुज्जतबाजी की तो मेरे बटों से जो प्रहार किया, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे भी अंदर ले आए। अंदर लाकर इन्होंने जो है जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इससे जो वो चाबी वामियाँ पूछने लगे, मारपीट के, इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी, और चाबी भी ले गए। इन्होंने सेफ खोल दी, सेफ में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये नगद थे जो गन्ने के थे, बाकी जेब था। बाकी जेब, बाकी जो ज्वेलरी थी, लगभग कितने की होगी? ज्वेलरी लगभग 42 लाख की होगी कम से कम। हाँ, 40-42 लाख की हाँ, ज्वेलरी थी करीब। लगभग कितने लोग होंगे ये? लगभग ये तो ये मान के चलिए, यहाँ उम्मीद है मेरे विचार से यहाँ जो ऊपर थे कम से कम 8 लोग तो ऊपर थे। देखिए, रात की लगभग 1 बजे की घटना है और हम लोग उस समय सूर्या चौकी पे थे। रात में गश्त और अन्य ड्यूटियों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें लगभग 2 बजे करीब में सूचना मिली कि हनुमंत बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लोग एक घर में घुसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे लूट करी है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं भी, क्षेत्राधिकारी, थाना पुलिस सभी मौके पर पहुंचे तो वहां पे ज्ञात हुआ कि एक चौहान जी हैं, वो अपने बच्चे के साथ वहां रहते हैं, उनकी विशेष शिक्षक है और वो अपने स्कूल में गई थी, वहीं वो रुकी हुई थी, पिता और पुत्र वहां पे थे, उनके 2 किराएदार जो लड़कियां हैं वो आस पड़ोस के कमरों में रह रही थी। रात के समय कुछ संदिग्ध इनके घर में घुसे चोरी की नीयत से और उनको संभवतः ही अनुमान नहीं था कि वहां हो सकते हैं। और जब जब यहाँ पे शोर मचा था तो मैं उठा था, तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लोग अंदर आए थे और फिर हमें कहा था कि चुप रहो चुप रहो, फिर हमें बांधा था, फिर मुझे लाए अंदर, फिर मुझे ही मारा था, फिर पूछने लग गए कि चाबी कहाँ है चाबी कहाँ है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता है चाबी कहाँ है। फिर वो ढूंढने लग गए तो उन्होंने उल्ट पुल्ट करा तो चाबी उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने खोल के फिर सारा सामान ले लिया था।